हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सोनल कालरा जो आईएएस ऑफिसर हैं हरियाणा में, शी इज़ वर्किंग एज एन एमडी ऑफ सिटी मेट्रोपॉलिटन बस कॉरपोरेशन। जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि ये सीएस भी हैं और एलएलबी भी इन्होंने किया हुआ है। तो बच्चों, आप क्या सोच रहे हैं। मैंने आपको एक साल पहले एक वीडियो बना कर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अगर सीएस करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड प्लान फॉर यूपीएससी। सीएस बच्चों समझिए, आप अगर आप यूपीएससी का प्लान करते हैं तो आपको कुछ नया नहीं करना है। नया नहीं करना है इसका अर्थ ये हो गया कि अगर मैं आपसे कहूं, भाई 14 घंटे की पढ़ाई करते हो, तुम क्या बोलोगे। हाँ करता हूँ भाई। शादियां अटेंड करते हो दोस्तों की, फैमिली में, रिश्तेदारों की, तुम बोलोगे नहीं मैं नहीं करता। भाई तुम दोस्तों के साथ बाहर जाते हो, खराब आदतें हैं तुम्हारे अंदर, तुम बोलोगे अरे कहाँ टाइम मिलता है सर, सीएस कर करके जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, ना घर वाले भाव देते हैं, लोगों को लगता है मैं पागल हो गया हूँ, कितने टाइम से मैं क्वारंटीन, ये कोई नया फैक्टर नहीं है मेरे को तो, लोग कब से बोलते हैं कि भाई तू होम क्वारंटीन है इतने टाइम से। तो बस नया क्या है यार, यूपीएससी में भी सेम चीजें हैं, मतलब 14 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई है, क्वारंटीन होना पड़ता है, लोगों से संबंध खत्म करने पड़ते हैं, शादी अटेंड नहीं करनी है। तो भाई साहब, सोनल कालरा की जब हमने स्टोरी पढ़ी, मैंने कॉल भी करने की कोशिश की उनको, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बात नहीं हो पाई। तो मैं बस एक ही चीज़ की गुजारिश करूंगा कि यार अगर आपके साइड पे एज है, लाइक आप 20 21 22 23 की रेंज में हैं, सीएस आपका कंप्लीट हो चुका है, फैमिली का सपोर्ट है, मतलब फाइनेंशियल कोई इश्यू नहीं है, तो क्यों ना यूपीएससी की तैयारी की जाए। और बच्चों बिलीव मी, मतलब मैं ऐसा आपको चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए कि आप बड़े आराम से यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, मतलब कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप सीएस हैं तो आपके अंदर क्षमता है, काबिलियत है, मेहनत करने का आपको काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो पीछे मुड़ के क्यों देखना यार, स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि एक सरकारी ऑफिसर बच्चों, यूपी आईएएस का पावर तो हम सबको पता ही है, मतलब कितना ज़बरदस्त पावर होता है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं यूपीएससी में, अगर आप चाहो तो। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में सिर्फ आप आईएएस वगैरह बन सको, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कैसे बन सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे बच्चों, इंडियन रेलवे सर्विस है, कहीं ना कहीं आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें कब कीजिए, सीएस हो जाने के बाद। कई बच्चे साला बोलेंगे नहीं मैं सीएस छोड़ देता हूँ। नहीं बच्चों, सीएस जब आपका होगा तो आप हमेशा याद रखिए आप अपना भविष्य सुरक्षित कर लेंगे। आप कभी दिल्ली जाएंगे ना बच्चों, दिल्ली में ऑटो चलाने वाले, पान की दुकान वाले, वेटर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली आए थे ये सपना लेके कि यूपीएससी करना है, बट यूपीएससी में कई लोग इंटरव्यू के लेवल तक पहुंचे, कई लोगों का नहीं हुआ, और बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद अपने रोजी रोटी कमाने के लिए बच्चों ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। तो बच्चों क्यों, क्योंकि इन लोगों ने डायरेक्टली यूपीएससी के ऊपर ही रिलाई किया। हम क्या करें, हम पहले सीएस करें, एलएलबी कर लें, अपना भविष्य एकदम सुरक्षित कर लें और उसके बाद हम सोचें कि चलो यार अब हम अब यूपीएससी करते हैं। अपने भविष्य को एक नई दिशा दीजिए बच्चों, अपने करियर को शेप कीजिए और ठान लीजिए बच्चों की करना ही है बस। लेकिन मैंने जो कंडीशन बोली, अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो ही कीजिए। अब आप मुझसे पूछेंगे दुष्यंत सर, सो तुम तो इतना भाषण देते हो, तुमने क्यों नहीं किया। बच्चों मैं सच में आज रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की थी सीएस करने के लिए, और मेरा यकीन मानिए कि बच्चों मेरे को उस समय अगर किसी ने सलाह दी होती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मतलब पता था बट ऐसे कोई सलाह देने वाला होना चाहिए, वो मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं था। पापा बोलते थे बट मेरे को लगता था पापा ने बोला तो सीएस कर लिया तो काफ़ी है, और फिर क्या बताऊं बच्चों। बट मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं यूपीएससी क्लियर करता तो डेफिनेटली आई कुड हैव मेड इट बच्चों, मैं कर सकता था, क्योंकि बच्चों मैं बहुत मेहनती था। 14 घंटे की पढ़ाई, 12 से 14 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी, कोई फालतू के शौक नहीं थे, तो लेकिन नहीं किया बच्चों। आज कहीं ना कहीं रिग्रेट भी होता है, बट येस आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसा करें बच्चों। आई वुड बी रियली हैप्पी, मतलब साला आप अगर कलेक्टर बन गए और मेरे सामने निकलेंगे अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में या ब्लू वाली बत्ती की गाड़ी में, और मुझे आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, दैट वुड बी अ ब्लेसिंग फॉर मी बेटा। तो प्लीज़ इस बारे में सोचिए बच्चों। थैंक यू सो मच।